बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देख रहे हैं MDI 623 की असाइनमेंट का सलूशन। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको विश्व यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट, क्विज एंड GDBs के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ मिड टर्म एंड फाइनल टर्म के करंट पेपर भी शेयर किए जाएंगे, तो कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। तो असाइनमेंट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने जैकोबियन फाइंड करना है। और मुख्तलिफ हमारे पास केसेस दिए गए हैं। जो सबसे पहले है वो है पैराबोलिक साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 1/2u² - v², वाई की वैल्यू दी गई है uv और जी इक्वल है zk। अब हम जानते हैं कि जैकोबियन हमारे पास क्या होता है, कि वो पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लेते हैं, पार्शियल एक्स वाई जी ओवर पार्शियल u1 u2 u3, फिर इसी तरह उनका एक डिटर्मिनेंट में कॉलम वाइज और रो वाइज हम लिखते हैं। जो फर्स्ट रो होती है उसमें पार्शियल एक्स, पार्शियल वाई और पार्शियल जी को हम विद रिस्पेक्ट टू u1 डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल u1, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल u1, पार्शियल जी ओवर पार्शियल u1। इसी तरह सेकेंड रो में हम u2 के रिस्पेक्ट से करते हैं और थर्ड रो में u3 के रिस्पेक्ट से करते हैं। अब जब हम पैराबोलिक साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं और जो हमें गिवन है वो हमारे पास जो है uv और z की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पर u1, u2 और u3 की जगह हम uv z ले लेंगे। क्योंकि अगर आपने लेक्चर लिया होगा तो वहाँ पर बताया गया था कि ये एक जो है वो जनरल फॉर्म में हमारे पास ये सोल्यूशन है u1, u2, u3, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। तो हम क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में uv और z की फॉर्म में xyz दिए गए हैं, तो हम इसकी जगह फिर uv और z लिखेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास उसी तरह है, सिर्फ u1 की जगह u आ जाएगा, u2 की जगह v आ जाएगा और u3 की जगह z आ जाएगा। अब एक्स वाई और जी के हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज जो गिवन हैं उनके रिस्पेक्ट से हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। जब पार्शियल एक्स और पार्शियल यू फाइंड करेंगे 1/2u² - v² तो हमारे पास उसका जो डेरिवेटिव है वो यू आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल एक्स और पार्शियल भी हमारे पास माइनस वी आता है, पार्शियल एक्स और पार्शियल जी जो है वो जीरो आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर हमारे पास uv की वैल्यू थी तो वो जीरो आ जाएगा। इसी तरह तमाम के तमाम डेरिवेटिव्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब दोबारा ये तमाम डेरिवेटिव हम अपने दोबारा से उस डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे जो कि जैकोबियन जिस तरह हम फाइंड करते हैं। जब उसमें हमने पुट किया है तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 से, यू हमने लिख दिया। अब यू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर अंदर वालों को u001 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल यू आ जाता है। इसी तरह माइनस वी, और जब अंदर वालों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी माइनस जीरो और नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास कम्प्लीटली जीरो हो जाएगी। तो इस तरह पैराबोलिक साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो जैकोबियन है वो u² + v² है। नेक्स्ट है हमारे पास इलिप्टिकल साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इलिप्टिकल साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो uv की फॉर्म में गिवन है, तो जैकोबियन हम उसी तरह लिखेंगे, पार्शियल एक्स वाई जी और पार्शियल uv एंड z। विद एक्स हमारे पास गिवन है a cos hyperbolic u cos v, y है a sin hyperbolic u sin v और z हमारे पास z की इक्वल है। उसी तरह n को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके हमने दोबारा डिटर्मिनेंट में वैल्यूज पुट की। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो हमने इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया और हमने जब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो एट द एंड जो हमारे पास आंसर आता है वो a² sin hyperbolic square u cos square v - cos hyperbolic square u sin square v आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोलेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो ये कि इसमें जो हमारे पास x, y और z की फंक्शंस हैं वो अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम u, v और z की जगह अल्फ़ा, बीटा और गैमा लेंगे। इसी तरह x, y एंड z को अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, विद रिस्पेक्ट टू बीटा, विद रिस्पेक्ट टू गैमा डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और दोबारा से हम डिटर्मिनेंट में जब पुट करेंगे फिर रो 1 आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे R1 से एक्सपेंड किया, आप C1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, C2, C3 किसी से भी। जब हम R1 से एक्सपेंड करेंगे उसको सॉल्व करेंगे जो एट द एंड हमारे पास आंसर आता है वो ये है, a³ cos hyperbolic square alpha sin hyperbolic alpha cos beta sin square beta into cos square gamma plus sin square gamma। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास मुख्तलिफ वर्सेस गिवन थे, 8 वर्सेस प्रिज्म के, और प्रिज्म को रोटेट किया गया एंटी क्लॉक वाइज, थीटा हमारे पास 60 डिग्री था। हमने इसके न्यू वर्सेस फाइंड करने हैं। न्यू वर्सेस फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है
एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा होता है, जबकि यहाँ पे थीटा 60 डिग्री था, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर रहे हैं। एक्स कॉस 60 माइनस वाई साइन 60, वाई प्राइम है एक्स साइन 60 प्लस वाई कॉस 60, एंड जी प्राइम इज इक्वल टू एज इट इज जी। वी वन हमारे पास है 0 0 0, यहाँ पे जो एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम की जनरल हमने इक्वेशन लिखी है, इनमें एक्स वाई एंड जी की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि तमाम वर्सेस के तमाम पॉइंट जीरो हैं, तो ये ऑलरेडी भी हमारे पास जब हम पुट करेंगे तो ये एज इट इज जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट है वी टू, वी टू में 1 0 एंड 0 आ गया, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, वाई की जगह 0 पुट करेंगे, जी की जगह 0 पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो न्यू वर्सेस हैं उनको हमने कह दिया वी टू प्राइम, और वह है हमारे पास 0.5 0.8660 एंड 0। इसी तरह जब हम वी थ्री फाइंड करेंगे, वी थ्री के हमारे पास जो वर्सेज हैं 1 2 0, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, वाई की जगह 2 पुट करेंगे, जी की जगह 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वी थ्री जो न्यू वर्सेज है वी थ्री प्राइम जिसको मैंने कह दिया वो है -1.232 1.8660 एंड 0। वी फोर हमारे पास है 0 2 0, जब इसको हमने सॉल्व किया तो जो हमारे पास न्यू वर्सेज आए हैं वो -1.732 1 एंड 0। वी फाइव की भी इसी तरह हमने फाइंड कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। वी सिक्स की भी गिवन है, वी सेवन की भी एंड वी एट की भी। इसी तरह अगर आपको कोई भी मिस्टेक आपको लगी हो या आपको कोई और मेथड पता हो तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो सके। आपको कंप्लीट असाइनमेंट दी गई है, आपका फ़ायदा हुआ है, इसलिए आप सिर्फ इन द बैक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।